सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बिल्कुल नया फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि है ओप्पो का A38, जो कि आपको अंडर 15,000 के रेंज में आया हुआ है। बहुत ही कमाल के फ़ोन है दोस्तों, और आप अपने लिए 12 से 13,000 तक आप रेंज में आप फ़ोन अच्छा लेना चाहते हैं, ओप्पो का अगर फ़ैन है, ये फ़ोन आपके लिए बेहतर होने वाला है या नहीं, वो चीज़ हम आपको बताएंगे दोस्तों। और ये इस प्राइस रेंज में क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार का बॉक्स पैकिंग आपको दिया हुआ है। यहाँ ओप्पो का ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर लिखा है ओप्पो A38, और यहाँ पर 38 से बड़ा सा लोगो आपको दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ कुछ की हाईलाइट पॉइंट मिल जाता है, जैसे इसमें 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा, 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है, और 4+4 8GB के साथ 128GB इंटरनल मिल जाता है दोस्तों। वेरिएंट की बात कर दोस्तों, इसमें एक ही वेरिएंट है, 4GB 128GB, कलर है ग्लोइंग गोल्ड। तो बिना किसी देरी का दोस्तों इसको बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो बताते हैं दोस्तों, इसमें फर्स्ट जो आपको रहेगा मटेरियल, वो क्या कंटेंट होने वाला दोस्तों, जो एटिटीज जो सारे फ़ोन में होता है। यहाँ पर आपका दोस्तों सिम इंजेक्टर टूल मिल जाता है, कुछ यूज़र गाइडलाइन है आपको दोस्तों, और यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट आपको ये कवर मिल जाता है, जो काफ़ी सॉफ्ट है, देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है, और बैक से आपको प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ फ़ोन, जो कि थोड़ा देर के लिए साइड में रखते हैं। बॉक्स के अंदर बाकी कंटेंट के मामले में दोस्तों, यहाँ पे 33 वाट का सुपर वो का चार्जर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, जो कि 33 वाट में चार्जर आपको करता है इस फ़ोन को। बस उसको A to C चार्ज करने के लिए यहाँ पे केबल मिल जाता है। तो बाकी डब्बे को साइड में रखते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं फाइनली हमारे फ़ोन की तरफ। तो इस प्रकार का कुछ लुक एंड डिज़ाइन मिल जाता है दोस्तों। ये है हमारा ओप्पो A38, जो कि एक 4G फ़ोन है दोस्तों, लेकिन लुक एंड डिज़ाइन पूरा अलग लेवल का है दोस्तों। डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, बैक में आपको ग्लास का फिनिशिंग मिल जाता है, इन हैंड फीलिंग काफ़ी अच्छा दोस्तों, और इन हैंड फीलिंग मतलब ज़्यादा बल्कि फ़ोन नहीं है, ना ज़्यादा मोटा फ़ोन है दोस्तों, और लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये है जी मैट फिनिशिंग के साथ, इसमें हाथ का दाग और इसमें स्क्रैच वगैरह आपको नहीं लगेगा दोस्तों। डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दोस्तों, जो कि आपको हम बता देते हैं, जो कि कैमरा में काफ़ी चमक रहा है, इनोवेशन AI कैमरा, मान लीजिए आपको इसमें कैमरा क्वालिटी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको फिजिकल ओवरव्यू की, इसमें यहाँ पर आपको दोस्तों 4C का चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, और हेडफोन जैक के साथ। ऊपर के साइड में कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2 SIM+ मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, यानी कि 2 SIM+ मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन, और यहाँ पे पावर बटन के साथ साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है दोस्तों। वहीं डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो बेजल थोड़े से मोटे हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा पतला किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इसमें 6.6 इंच के साथ Full HD+ IPS स्क्रीन मिल जाता है, वो भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ काम करेगा, लैगी फ्री आपको बिल्कुल नहीं महसूस होगा दोस्तों। कलर सेचुरेशंस काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे सिंगल स्पीकर के साथ आ जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपको दोस्तों कलर का सेचुरेशन काफ़ी अच्छा है, टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट मिल जाता है, तो डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा पंची कलर आपको मिल जाता है दोस्तों। प्लस वहीं फिजिकल प्रोसेसर और हार्डवेयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो कंपनी इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है, वो Helio G85 का MediaTek का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर देगा नॉर्मल एवरेज यूजर्स में दोस्तों। प्लस इसमें रैम रोम की बात करें दोस्तों, इसमें 4GB पहले से, और 4GB वर्चुअल रैम है, तो 4+4 8GB आपको हो जाता है। और इंटरनल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 128GB इंटरनल मिल जाता है, जिसमें आपको 22 से 23GB आपको इसमें यूजेस है, मोटा मोटी समझ लीजिए आपको 128GB इंटरनल यूज़ करने को मिल जाता है। एंड्रॉयड की बात करें दोस्तों, इसमें सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। प्लस कैमरा में कुछ की लाइट पॉइंट है, जिसमें बैक में आपको 50 मेगापिक्सल करंट कैमरा है, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल कैमरा है। तो जल्दी से इसका कैमरा भी टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, कि कैमरा परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। तो कंपनी कहना है इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो कैमरा क्वालिटी हम खींच के दिखा देते हैं दोस्तों, कुछ और फोटो क्लिक कर दिखा देते हैं कि कैमरा क्वालिटी कैसा रहने वाला है। तो हमने डायरेक्ट जूम करके फ़ोटो खींचा दोस्तों, और डिटेलिंग 3x जूम के मामले में काफ़ी अच्छा दोस्तों, ये 2x जूम में खींचा हुआ है, और ये हमारा नॉर्मल फ़ोटो खींचा हुआ है, तो कैमरा में डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है। हालांकि हमने ये 50 मेगापिक्सल पर नहीं दोस्तों, नॉर्मल कैमरा में खींचा है,
50 में पिक्सल पर क्लिक करने के लिए डायरेक्ट आपको 50 में पिक्सल पर क्लिक करना टच करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ऑन कर देते हैं। अब ये 50 में पिक्सल पर डायरेक्ट फोटो क्लिक हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जूम करके भी दिखा देते हैं तो कैमरा का डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 50 में पिक्सल कैमरा हिसाब से, और डिटेल काफ़ी अच्छा है, कलर्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये रहा बैक कैमरा की बात दोस्तों, वहीं फ्रंट कैमरे की बात कर दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी ने मात्र 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया, लेकिन दोस्तों आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा 5 मेगापिक्सल लगे जैसे 16 मेगापिक्सल के बराबर काम कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको AI का कैमरा दिया हुआ है और कैमरा में बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड भी है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों बैक कैमरा पोर्ट्रेट मोड है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें दोस्तों तो फ्रंट में आपको यहाँ पे मैक्सिमम 720p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा में, और बैक कैमरा में वही आपको 720 और 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसमें नाइट मोड मिल जाता है बैक कैमरा में, फ्रंट कैमरा में नाइट मोड नहीं मिलता दोस्तों। और यहाँ पे मोड ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे पैनोरामा मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है और टाइम मोड मिल जाता है टाइमलेस के साथ। तो कैमरा में कुछ खास फीचर्स नहीं दिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्लो मोशन मिसिंग है। और आप बैटरी की बात कर दोस्तों तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है, जो कि 101 दिन आपको आराम से बैटरी बैकअप देगा। लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है दोस्तों। तो ओवरऑल इसकी जो प्राइसिंग रखी है कंपनी, इसमें 13000 में रेंज में आपको आता है, तो 13000 के रेंज में ये फ़ोन 4G तो है दोस्तों, लेकिन काफ़ी खूबसूरत भी है। और सबसे मुझे ये इसका लुक एंड डिज़ाइन इन हैंड फील काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, और कैमरा क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। और 5000 mAh की बैटरी है, 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, और ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। 13000 के में ये फ़ोन आप परचेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मार्केट में जरूर जाएँ, मोटा मोटी आपको 1000 का लेस में आपको ये फ़ोन मिल जाता है। जनरली ऑफलाइन मोड में किसी से भी या रिटेलर से आप खरीद के डिस्काउंट करवा सकते हैं, तो मोटा मोटी 12000 में फ़ोन काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी होने वाला दोस्तों। और आप ओप्पो के फैन हैं तो क्या इसमें आपको कोई चीज़ का दिक्कत होना ही नहीं वाला दोस्तों। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने वाला, प्राइसिंग काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो में इसमें क्या क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।